अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, हम मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है आपके लिए। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सुकून सलामती के साथ होंगे। हम कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल कर लेंगे वर्गोस, और आपके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या एनर्जी मौजूद है। और मैं बताती चलूँ कि हम आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालेंगे, आपके पार्टनर के लिए डिवाइन एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू, फिर आपके लिए फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज कार्ड और सपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे। तो देखते हैं वर्गोस के आपके लिए क्या निकलता है। वर्गोस के लिए देखेंगे, पहले कार्ड को, डेक को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ओके वर्गोस, तो देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या मौजूद है। फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे जी। तो वर्गोस, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी मौजूद है जी। ये वर्गोस का कार्ड है, वर्गोस आपके पार्टनर का कार्ड है। ये आपकी डिवाइन एनर्जी है, ये आपके लिए फाइनेंशियल एनर्जी। दिस इज योर टू कार्ड, नो दिस इज योर सरप्राइज कार्ड। देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज है। 2 कार्ड्स निकले हैं, दिस इज योर सपोर्ट कार्ड। ओके, तो देखते हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मौजूद है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं वर्गोस के आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। ये वर्गोस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि अच्छी एनर्जी है। ये बयक वक्त जो है वो ये फॉर्चून का आपके लिए कार्ड है, एक अच्छा गुड लक का कार्ड है। लेकिन ये है कि ये इस बात को शो करता है कि आप हर्डल में से गुजर कर आए हैं, और द लाइफ वॉज नॉट बेड ऑफ रोजेज फॉर यू ऑल द टाइम। और ज़िंदगी में इंसान को हमेशा सहना पड़ता है सब कुछ, तभी इंसान मेच्योर होता है। देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड आपके लिए क्या निकलता है। वर्गोस, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी को शो करता है। और देखेंगे ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी है। जो किंग्स होते हैं वो एक अथॉरिटी फिगर होते हैं, और वो प्रॉस्परस लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो कोई डिसीजन लेते हैं कि ये चेंज मैं चाहता हूँ लाइफ में, या कुछ भी जो भी वो सोचते हैं, और कोई टारगेट एक बनाते हैं, फिर उस टारगेट को अपने जो है वो क्वीन के साथ शेयर करते हैं, और फिर उसको अचीव करने के लिए एक फुल एफर्ट डालते हैं। ये देखते हैं क्या है। आप दोनों के दरमियान लवर्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड वर्गो। तो हम देखेंगे कि बहुत ही, ये तो आपकी बहुत ही पॉजिटिव और खूबसूरत एनर्जी है वर्गोस। और ये आपके जो है फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, जो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये शो करता है कि आप जो है वो अपने जो है टीम वर्क उसके अंदर जो है वो करें, अपनी टीम को बनाएं, और जो काम है काम के जगह पे आप अपने जो है वो एक अच्छा माहौल रखें, तो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं ये। और ये देखते हैं, ये देखेंगे कितना खूबसूरत है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए, सरप्राइज कार्ड के तौर पे मौजूद है, और चैरियट का कार्ड। ये दोनों बहुत ही प्यारे कार्ड आपके लिए मौजूद हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके लिए वो एक फाइनेंशियली बहुत ही हाई एंड पे फिगर है, और लेकिन एक मदरली नेचर की फिगर है, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज़ के तौर पे आ सकती हैं। और लेकिन ये कि मैं भी वक्ती तौर पे वो रुक कर किसी सिचुएशन को देख रही हैं आपके लिए, और आपके सिंसियर एफर्ट को देखते हुए वो आपकी तरफ बढ़ने का फैसला करती हैं। इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ आपको लाइफ में मिलने वाला है वर्गोस। तो हम देखेंगे कि ये बाद में इसको क्लैरिफाई करेंगे। वैसे तो ये क्लैरिफाइंग कार्ड इसका साथ ही निकल चुका है। ये देखें, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके सपोर्ट कार्ड के तौर पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो एनर्जी आपकी मौजूद है वर्गोस। और ये एक बहुत ही मटेरियल गेन्स और ज़िंदगी की लग्जरीज को आप इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही एक जो है वो शॉपिंग्स और ट्रैवल और पेट्स और फैमिली और सब के साथ, और एक खूबसूरत लाइफ को और खूबसूरत लेविश लाइफ को इंजॉय करते हुए जो है वो उसका ये सपोर्ट कार्ड आपके लिए निकला है। तो हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि आपके
और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ही वैसे खूबसूरत एनर्जी है। लवर्स का कार्ड आप दोनों के दरमियान में निकला है और ये वर्गोस के लिए आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये में भी ये देखें किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपको एक पैशनेट पार्टनर की तरफ इंजॉय जो है वो शो करता है पैशनेट पार्टनर की एनर्जी को। लेकिन ये है कि आप वर्गोस आप बहुत ही जो है ना वो आपने हर तरह का एक वक्त का मुकाबला किया और बहुत ही अपनी जो अप्स एंड डाउन्स को लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को डील करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अब जो है आपको गुड कार्मा सर्व होने का टाइम है। आपके सब कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं आपके सब कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं गुड कार्मा सर्व होने का टाइम है। आपने मुश्किल वक्त को निकाल लिया है। कोई भी सिचुएशन आए उसके अंदर जो है वो सब्र के साथ जो है ना वो मदद लें और जो है ना वो सिचुएशन को डील करें और उसके लिए सिंसियर एफर्ट करें। और कोई ये वो नहीं है कोई, लेकिन ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। बहुत ही आपको अच्छी जो है ना आपके अपनी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मेहनत से भी ज़्यादा मुझे लगता है वर्गोस कि ये आपके लिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत दुआएं की हैं। मे बी आपने किसी की कोई ऐसी खिदमत की है कि आपने उसके लिए दिल से दुआ निकलवाई है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के कार्ड हैं और ये आपके पास ज़िंदगी में एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ को इंजॉय करने के कार्ड हैं। और देखते हैं हम आपका के क्लैरिफिकेशन के लिए क्या कार्ड निकलता है वर्गोस। आपने किसी ऐसे की खिदमत करके कोई दुआ ली है जिसकी वजह से आपको जो आपकी लाइफ की हर्डल्स जो थी जो मुश्किलात जितनी परेशानियां टेंशन एंग्जाइटी जो आपके दुश्मन थे वो भी आपके दोस्त बन गए। कुछ ऐसा जो है वो आपने कुछ ऐसा कमाल किया है वर्गोस। वर्गोस बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है सॉरी और वर्गोस जो होते हैं वो बहुत ही केयरिंग नेचर के लोग होते हैं हाँ ये है कि उनकी ज़ुबान थोड़ी सी जो है वो होती है शार्प होती है, लेकिन ये है कि वर्गोस अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। तो देखते हैं वर्गोस क्या क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकलता है ये देखें ये देखें ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लैरिफिकेशन का कार्ड है। योर टेंशन का एंग्जाइटी का टाइम ओवर हो चुका है। अब आप इस एनर्जी को इन्जॉय करें अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल टेंशन परेशानियों के अंदर से निकल जाएं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी दुआ शामिल हुई है, कोई ऐसी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हुई है कि आपकी जो है आप इस टेंशन के मोड में से निकल आए हैं। वो ऐसा टाइम जिसके अंदर आपके पास था तो सही, ये टू ऑफ कप्स तो आपके पास थे लेकिन आप उस टाइम उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। आप पे किसी टेंशन में थे कि किसी में भी कोई फैमिली में कोई ऐसा बिंदा बीमार था, कोई ऐसा परेशानी का टाइम था जो कि आपने कोई बहुत ही सब्र के साथ आपने उसको गुजारा है। लेकिन अब आप जो है बहुत ही खूबसूरत लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं और ये एक बहुत ही शानदार एनर्जी का कार्ड है। इस टेंशन के उससे निकलें आप ये देखें ये कितना कितना पावरफुल कार्ड है। लेकिन ये कि ये जो फर्स्ट कार्ड मैंने आपको बताया कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये देखें इसमें सांप भी मौजूद हैं, इसमें टेंशन एंग्जाइटी भी, हर तरह का मौसम आपको जब पहिया गोल घूमता है हर तरह का मौसम अराउंड द ग्लोब आप देखते हैं और हर तरह के हालात वाक़ात हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ हो रहे होते हैं और हम भी कहीं ना कहीं उन सब वाक़ात के अंदर से गुजर रहे होते हैं। मे बी उनकी जो है वो इतना वो ज़्यादा उस हाई उस हाई पिच पे वो हमें हिट ना करें, लेकिन फिर भी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपनी सब सिचुएशन से सब मौसमों से हम मुतासर हो रहे होते हैं उनसे। हम जैसे अगर सर्दी है बहुत सर्दी आ जाती है तो हम कोट पहने बगैर स्वेटर पहने बगैर हम नहीं रह सकते, गर्मियों के अंदर हम पंखा चलाए बगैर नहीं रह सकते, ठंडा पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। हर मौसम हमें हिट करता है, इवन के सब्जियाँ फल मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। तो आपने जो टेंशन एंग्जाइटी देखी है, जो परेशानी आपने देखी है, उसने यकीनन आपके मूड के ऊपर थोड़ा बहुत असर डाला होगा। उस तलखी को अपने अंदर ना आने दें और खूबसूरत लाइफ को एंजॉय करें, इसलिए क्योंकि वर्गोस आपके लिए गुड टाइम शुरू हो चुका है और आप जो है वो इस टाइम को एंजॉय करें अपने पार्टनर के साथ। ओके जी, हम देखेंगे वर्गोस आपके लिए फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड क्या कहता है। फाइनेंशियल एनर्जी में आपके पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है,
थ्री ऑफ कप्स, अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दें, वो लोग जो मे बी टेंशन के टाइम में आपको छोड़ गए थे उनको अपने साथ मिलाएं, उनको माफ़ कर दें, दिल को साफ करें, दिल को बड़ा करें और एक अच्छा मामला करें अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ मे बी वक्त पड़ने पर अच्छा सलूक नहीं किया है। ये देखें, ये स्नेक की एनर्जी यहाँ मौजूद है। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। ये देखें, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। ये देखें, ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है। फाइनेंशियल एनर्जी के अंदर जो क्लैरिफिकेशन आपको आई है, आप टीम बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत एनर्जी दी है जो कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो फुल ऑफ पैशन है और उसके पास इरादा भी है और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं कि वो अपने काम को पूरा कर सकती है। ये देखें, उसके पास एक ब्लैक कैट भी मौजूद है और ये जो फल सॉरी फ्लावर्स को वो इंजॉय कर रही है, अपने अपने वो क्राउन उसको इंजॉय कर रही है और अपने वो अपने वो खूबसूरत चेयर पर बैठी हुई है और उसके पास एक वांड भी है और वो एक ऐसी वो है कि वो अपना जो डिसीजन ले उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी खूबसूरत टीम को साथ लेकर चल सकती है। उसके लिए आप जो है वो एक फुल जो है वो आपकी एक फौजी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा चुकी है। ये देखें, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपको इससे से गुजारा जा चुका था। ये यहाँ से नीचे से भी जाता है और ऊपर तक भी जाता है, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है। आप हर तरह के लोगों को साथ लेके चलने की ताकत रखते हैं, बस आप अपनी टीम बिल्डिंग करें और आप दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं, उसको एंजॉय करें। ये देखें, किंग ऑफ वांड भी जो है आपके पार्टनर की एनर्जी है और आप जो है वो इस क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी के अंदर आएँ, अपनी टीम बिल्डिंग करें और आप अपनी टीम को साथ लेके और अपनी फाइनेंशियल गेन भी ले सकते हैं। ये देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वर्गोस के लिए और चैरियट, और जो कि बहुत ही शानदार, में भी आपका वो पार्टनर जो कि आपके कोई गुरु हो सकता है, कोई मदरली फिगर, कोई कोई ऐसा जो है जो आपके आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, लेकिन वो फ़िलहाल वो रुक कर आपकी वो सब मामलात की डीलिंग को देख रहे थे और अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको जो है वो एक बेहतरीन सरप्राइज़ देंगे। आप एक अच्छे सरप्राइज़ सडन गेंस के लिए और किसी की मॉरल सपोर्ट के लिए आप जो है वो तैयार रहें। तो देखते हैं वर्गोस के आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। प्लीज़ क्लैरिफाई कार्ड। ये देखें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपका क्लैरिफिकेशन का कार्ड है। मैं भी वक्ती तौर पे उन्होंने आपको आजमाया है किसी चीज़ के लिए और आपके मामलात को डील करने के पूरा उन्होंने तरीका देखा है और अब वो आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आगे अपना कदम बढ़ाएंगे और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने आपके मामलात को डील करने का पूरा तरीका देखा है। ये देखें, आपने अपनी टीम को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है वर्गोस, और आपने उनको साथ समेट कर लेके चले हैं और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी फाइनेंसेस में है। आपने अपने जो है रिलेशंस को बहुत ही खूबसूरती से बचाया है। ये देखें, ये वर्गोज आपके लिए बहुत ही शानदार सरप्राइज कार्ड है। अब आपका सपोर्ट कार्ड हम देखेंगे। आपके सपोर्ट कार्ड में नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि कितना शानदार है। डिवाइनली आपको जो है वो चीज़ें जो है वो सपोर्ट मिल रही है आपको डिवाइनली, और देखेंगे कि इसके अंदर अभी क्या मामला है। आपके लिए क्लैरिफाइंग कार्ड क्या निकलेगा। ओके वर्गोस, आपका क्या है सपोर्ट कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही बहुत ही लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने का कार्ड है। और ये देखिए, हैंगमैन की सिचुएशन से आप निकल आएँ, जो डिसीजन आपने लेना है उसको ले लें और आप जो है वो बहुत ही खूबसूरत, ये देखें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये देखें, ये जो कार्ड आपका निकला है ना पहले, इस सिचुएशन इस इनको जो गिरे हुए कप है उनको देखना छोड़ दें बाद में, इसलिए क्योंकि उनसे अभी आप दुखी हैं, आप क्योंकि जिस टाइम आपको मदद की ज़रूरत थी तो उस टाइम शायद आपको नहीं मिली है, लेकिन बाद में आपको ये रिकॉन्सिलेशन इन थ्री ऑफ कप्स की सूरत में करनी है। उनको टीम को साथ लेकर चलें और वक्ती तौर पर किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, वो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है वर्गो, और यही बाद में आपकी टीम बिल्डिंग के अंदर
पूरा आपको सपोर्ट करेंगे और आप ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को इन्जॉय करेंगे और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्ती परेशानियों से घबरा कर अपने रिश्तों को अपने से दूर ना करें और यही बाद में आपका फुल सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ओके वर्गोस, होप यू इन्जॉय द रीडिंग और खुश रहें, खुश रखें, अपने प्यारों को अपने साथ रखें और हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ को इन्जॉय करें। अल्लाह ताला आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे और डिवाइन कनेक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई दुआ आपको मिली है या आपने ख़ुद कोई दुआ मांगी है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही एक प्रॉस्पेरिटी मौजूद है। भगवान को, खुदा को, जिसको भी आप मानते हैं, और जो है ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करें, दुआ का सहारा लें, किसी के साथ कोई नेकी लें, करें कोई ऐसी दुआ जो कि आपकी तकदीर बदल सकती है। तो होप यू एंजॉय द रीडिंग वर्गोज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।